जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल स्वागत प्रोग्राम अज का मुद्दा दे विच मैं तुहाडी होस्ट आशमिता तुहानू दस्या सी पिछले हफ्ते कि तुहाडे लई एक खास सीरीज़ लैके आ रहे हैं प्रोग्रामा दी जिथे एक किसान अंदोलन ते एक किसानी बिल्स दी गल आंदी है। देखो आपां तां इत्थे बैठे हैं अब्रॉड, जी करदा है कि आपां जाके दिल्ली दे विच इस मोर्चे दे विच हिस्सा लै सकीए, बट आपां इत्थे बह के की कर सकदे हां? सब तो पहली चीज़ जो तुसीं कर सकदे हो ओ जानकारी पाओ, अवेयरनेस लो कि ये बिल्स है कि ये इनफ नहीं है कि तुसी कहो इन्हां नूं रद्द करना चाहिए जी आप किसानां दी सपोर्ट विच खड़े हन। कोई गल नहीं, वो चीज़ तुसी कर रहे हो बहुत वधिया कर रहे हो, वेरी गुड, बट अगर तुसी किसे नाल गल करनी है भावें वह सिख होए, पंजाबी होए, इंडियन होए या सब तो इंपोर्टेंट नॉन इंडियन होए, तुहाडा गवांडी, तुहाडा इलैक्टेड ऑफिशियल, तुहाडा लोकल पॉलिटिशियन, तुसी उन्हां दे नाल गल करदे हो कि देखो जी इत्थे किसानां दे नाल इस तरह वितकरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो तुहानूं पुछदे कि ओके ये बिल्स विच है कि क्यों ये बिल्स किसानां दे खिलाफ हन, तुसी उन्हां नूं किस तरह का जवाब देंदे हो, वो चीज़ इस मोर्चे नूं भी सपोर्ट करती है। इस करके आपां तुहाडे लई इस स्पैशल प्रोग्राम पेश कर रहे हैं जिथे इन तीन बिलों नूं इन्हां दा थोड़ा जिहा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ते ये तीन बिलों दे विच की वड्डी वड्डी ओ चीज़ां हन जो तुसी जान के जानकारी पा के तुसी कह सकदे हो साफ कि हाँ ये बिल्स किसानां दे बिल्कुल खिलाफ हन, ये एक कारपोरेट तुसी कह लो एजेंडे ड्रिवन बिल्स हन एंड इहदा नतीजा इस तरह हो सकता है। इस चीज़ ते साडे नाल अज डिस्कशन करन लई ते सानू जानकारी देन लई जॉइन करे एक बहुत ही खास गैसट इंडिया तो साडे नाल जुड़ रहे हैं, जोगिंदर सिंह जिंदू जी जो कि हिन एडवोकेट हन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पटियाला दे विच। सब तो पहले जोगिंदर जी मैं तुहाडा प्रोग्राम दे विच स्वागत करना चाहुंदी हां, सत श्री अकाल। मैं जस्ट लुक चैनल दा ते थोड़ा विशेष तौर पर इस गल शुक्रगुजार हाँ कि तुसी मैनू जिहड़े अमेरिकन पंजाबी है जिहड़े उत्थे पंजाब चो गए हुए परिवार है जां हरियाणे चो गए हुए परिवार है उन्हां नाल रूबरू होने का मौका दिता जी। बड़ी अच्छी गल है कि तुसी सानू इत्थे बैठिआं नूं खुशी हुंदी है कि तुसी साडे इस अंदोलन का हिस्सा बणे बाहर बैठे हो। जी बिल्कुल बिल्कुल जोगिंदर जी, प्लीज हिस्सा भी बहुत मतलब यह नहीं भी तुसी एक्टिव पार्टिसिपेंट हो उस अंदोलन के अंदर, तो इत्थे जो तुसी बाहर एजुकेट कर रहे हो सारे सारे उहदे च एक तो तुसी इंटरनेशनल बनाती मूवमेंट जिहड़ी जिहड़ी जिसका करैक्टर ही चेंज करता थोड़े प्रोटेस्टा ने यह मूवमेंट पहला तो पंजाब की बनी, पंजाब तो बाद हरियाणा नाल आया, फिर भारत की बनी किसानी नाल आई, फिर बाकी लोग तबके आए, जो तुसी भी आ गए ये इस अंदोलन का हिस्सा बन गए तो फिर यह मूवमेंट का करैक्टर ही चेंज हो गया, मूवमेंट इंटरनेशनल बनाती जिहड़ा इत्थे प्रैशर बिल्ड करने लई एक बहुत वड्डी भूमिका थोड़ी जी। यूथ नूं मैं विशेष तौर पर कहाँगा भी तुसी जिहड़े इस अंदोलन का हिस्सा बने हो तुसी एक परिवार के धी पुत नहीं रहे, तुसी पंजाब के धी पुत बन गए, तो पूरे पंजाब के धी पुत बन के तुसी इस जिहड़ी अंदोलन का हिस्सा बने उहदे लई मैं तुहाडा शुक्रगुजार हाँ। शुक्रगुजारी तो आपां तुहाडे आ जोगिंदर सिंह जी, तुसी ऑन द ग्राउंड दिल्ली तो हुने लौट के आए हो, वो भी क्योंकि तुहाडी सेहत खराब हो गई सी 10 दिन तुसी ऑन द ग्राउंड इस अंदोलन दे विच अपना हिस्सा पाया ते हले भी तुसी अपनी लीगल सर्विसेज एंड एडवाइस लोगों तक वो जानकारी पहुँचा रहे हो जो तुसी अज साडे व्यूअर्स दे नाल भी शेयर करनी है, आई थैंक यू। एंड मैं इत्थे ये भी कहना चाहती हूँ कि तुहाडे अपने बेटे ने भी इत्थे दी वाशिंगटन DC दी रैली दे विच बहुत वधिया तरीके नाल इन बिलों की अगवाई कीती कि किस तरह ये बिल्स दे विच की किसानां दे स्पेसिफिक पॉइंट्स किसानां दे हक नूं लुट रहे है। जोगिंदर जी प्रोग्राम जो आपां अज लैके आए लोकां लई इन बिल्स दी जानकारी आपां देनी है, तीन पार्ट दी इस सीरीज़ आपां इस हफ्ते प्रजेंट कर रहे हैं व्यूअर्स दे नाल, उस तो पहले मैं थोड़ी जी तुहाडी बैकग्राउंड तुहाडे तों पुछना चाहवांगी, साडे व्यूअर्स नूं तुसीं थोड़ा जिहा दसो किस तरह दा तुहाडा करियर रहा है, किस तरह दी तुसीं पब्लिक सर्विस कीती है एंड अज इस अंदोलन दे विच तुसीं किन्हां नूं क्रेडिट देना चाहते हो जो बहुत वड्डे लेवल ते अपना हिस्सा पा रहे हैं? मैं अश्मिता जी हैं बेटा, मैं तुहानूं बेटा कह के संबोधन करांगा क्योंकि अपनी जिहड़ी है ना एक जिहड़ा उपरापन है गलबात दे अंदर ओह ना रहे जी, आपां खुल के गल कर लईए, आपां गल्लां ही करनियां किसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट ते, ते है भी तुसीं साडी बेटी पंजाब दी जो तुसीं इह चंगा काम कर रहे हो
इस जिहड़ा मेरी बैकग्राउंड है भी मैं स्टूडेंट मूवमेंट तो मैं 71 च कॉलेज दी मूवमेंट च है कॉलेज ज्वाइन किया 74 च मैं ग्रेजुएशन कर ली सी। मैं कॉलेज मूवमेंट तो बतौर विद्यार्थी तो ही जिहड़ियां लोकल लैवल हैं जिहड़ी मूवमेंट्स हैं पीपल किसी कॉज लई फॉर गुड कॉज उन्होंने अंदोलनों का मैं हिस्सा रहा। फिर मैं आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने तो बाद लॉ करने तो बाद मैं पंजाब राज बिजली बोर्ड के अंदर जॉब ज्वाइन कर ली सी 20 साल। मैं उन्होंने जॉब ज्वाइन करने तो बाद 20 साल 21 साल की मेरी सर्विस है। 21 साल तो बाद मैं प्री मच्योर रिटायरमेंट लैके 2000 के अंदर दिसंबर कोर्ट जा गया सी। 21 साल चो 18 साल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट प्रेजिडेंट रहा उन्होंने जी ट्रेड यूनियन है बिजली बोर्ड की जिहड़ियां सारिया उन्होंने मतलब सारिया यूनियन उन्होंने इकट्ठिया सी उन्होंने मैं को कन्वीनर रहा। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड उस तो बाद मैं कोर्ट च आ गया सी। तो कोर्ट च 20 साल तो मैं जिथे मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा एज एडवोकेट उत्थे मैं सारिया मूवमेंट्स मूवमेंट्स जिहड़ियां किसी गुड काज लई हुंदियां चाहे वह एडवोकेट्स दियां चाहे असीं देश भगतां दे कोई सैमीनार कराउणे आ लोगों को एजुकेट करने लई ताकि अपनी हिस्टरी नाल बने रहन उसी कोर्ट च भी एक देश भगत यादगार कमेटी बनाई हुई है एडवोकेट्स की। असी उत्थे उन्हां जिहड़े साडे शहीद हैं भगत सिंह सुखदेव राजगुरु सराभा पंजाब दे शहीदां दी बहुत लंबी लड़ी है ना उन्हां दे जिहड़े प्रोग्राम है उन्हां नूं जानकारी देने लई उन्हां नूं याद उन्हां दी याद नूं साझा करन लई उन्हां दी कुरबानी नूं याद करन लई असीं प्रोग्राम लगातार करवाउंदे रहिंदे हां। ते हुण वी मैं इस अंदोलन दे अंदर एक्टिव पार्टिसिपेंट हाँ। मैं दिल्ली 10 दिन दिल्ली इलाके आया ते पंजाब दे दो जिहड़े फिलैंथ्रोपिस्ट है उत्थे वड्डे पैमाने ते काम कर रहे बहुत कर रहे होर भी बहुत उन्होंने छुट्टियाना नहीं चाहिए हर एक की बहुत वड्डी कंट्रीब्यूशन है जिहदे च डॉक्टर रवि सिंह दी खालसा एड है ते डॉक्टर एस पी सिंह उबराए जिहदा सरबत्ता भला ट्रस्ट है चैरिटेबल ट्रस्ट है सरबत्ता भला चैरिटेबल ट्रस्ट दी मतलब ये वड्डे पैमाने ते काम कर रहे हैं उत्थे जिहड़े क्योंकि सरबत्ता भला चैरिटी ट्रस्ट दा दे नाल मैं जुड़िया होया ते मैं लीगल भी उन्हां दा जिहड़ा देखदा है मैटर्स उत्थे जिहड़े उन्हां दे सारे प्रोग्राम चल रहे हैं सिंघू बार्डर ते सिंघू बार्डर ते सारा टोटल जिहड़ा मैं उन्हां नूं देख रहा हाँ। ते मैं मतलब उसे मूवमेंट नाल नेड़े तो जुड़िया हाँ ते नेड़े तो जुड़ के क्योंकि एक समा है जिहड़ा जिहड़ा पंजाब है जां हिंदुस्तान है किसानी है उहदी ये हिस्टोरिकल इवेंट है एक बहुत वड्डी क्योंकि मेरी 67 ईयर की एज होगी। मैं वड्डिया मूवमेंट्स ते हाँ पर मैं एड्डी वड्डी मूवमेंट अपनी जिंदगी च नहीं देखी ते शायद ये एक बारी आने वाली ही इवेंट है जिंदगी च जी शायद वड्डिया हो सकदियां कहता ये रहे भी किसानी का ये मतलब ह्यूमन रेस का सब तो वड्डा अंदोलन है जी जी अज तक का पर हो सकता है कि इस तो वड्डा भी होया जा होवे पर उस वेले मशीनरी इन्नी नहीं सी जो तुसी ट्रैक्टरां दी गिणती नूं देखदे हो ट्रैक्टरां च घर बनाए देखदे हो उन्हां दे अंदर सारा कुछ मतलब लाया जी हुआ लोकां ने देखदे हो उन्हां दे अंदर एक जिंदगी बसर कर रहे देख लोकां नूं देखदे हो देन इट इज़ ए न्यू थिंग वाकई ये ह्यूमन हिस्ट्री का सब तो वड्डा जी बिल्कुल। एंड जो रिपोर्ट सानू दिल्ली तो आ रही हैं आई मीन किस तरह किन्नी ऑर्गेनाइजेशन है किन्नी पीसफुल तरीके नाल ये सारे प्रोटेस्टर्स वेट कर रहे हैं अपने हक लिए वेट कर रहे हैं। जोगिंदर सिंह जी इत्थे ज़रूर सानू इस गल दे नाल शुरू करना चाहिए आपां तिन्ना बिल्ला दी जानकारी इन डेप्थ देनी है व्यूअर्स नूं बट शुरुआत तो होंदी है इन ऑर्डिनेंसेस दे नाल राइट भावें ये 2-3 साल पुरानी ये गल चलती आ रही है इन लॉज इन बिल्स नूं लैके कि ये जो ऑर्डिनेंसेस जून 5 तरीक नू पास हुए हन प्रेसिडेंट वालों ये इशू हुए सी मैं ओदे नाल शुरू करना चाहवांगी। सब तो पहले तो ये किस कारण करके इस तरह इन ऑर्डिनेंसेस नू पास किया गया कोई की काली सीगी प्रेसिडेंट नू की एमरजेंट सिचुएशन सीगी जिदे करके ये बिल्स ये ऑर्डिनेंसेस जून दे विच इस तरह इशू किए गए। अस्मिता बेटा गल ये है भी इस तो पहले मैं ये थोड़ी जी ना पृष्ठभूमि जानना चाहूंगा थोड़ा संक्षेप में हिंदुस्तान की मतलब इंडिया की कह लो कई जनों हिंदुस्तान कहने पर इतराज होंगे हूँ वो 138 करोड़ की आबादी है इस वे भारत का प्रधानमंत्री तो 130 करोड़ ही कही जाता शायद उन्होंने फिगर भी नहीं पता कि साड़ी आबादी कितनी मतलब तुम उन्होंने एक जानने की कोशिश भी नहीं करते हो तो
चाइना तो बाद चाइना की 140 करोड़ दे लागे चा के 143 कुछ है, साढ़ा सारा ही 5 साढ़े 5 करोड़ का फर्क रह गया इंडिया ते चाइना का। एक बहुत वड्डी मंडी है, पापुलेशन इटसेल्फ जिहड़ा है कारपोरेट हुण मंडियां दी भाल च, इस तरह की मंडी नहीं मिलती कितने। दूजा है, मैं खेतों बारे थोड़ी जी जानकारी देना चाहूँगा कि खेतों बारे कहा जाता है कि किसान अन्न पैदा करता है, किसान ढिड भरदा लोगों के, किसान अन्नदाता है, खेत जड़े है वो अन्न उगाते हैं, खेत जड़े है सब्जियां उगाते हैं, फ्रूट उगाते हैं, मतलब बाकी सारिया चीज़ा जी ह्यूमन कंजम्पशन लिए चाहिए, जिन्हों तो बगैर मनुख रह नहीं सकता, जिंदा वो पैदा करते हैं। खेत इन्ने छोटे नहीं है, खेत बहुत बड़े हैं, बड़े महान है खेत। खेतों ने, मैं हूँ एक वकील हाँ, जे मेरे बापू दे खेत ना होंगे तो चाहद्या होया भी मैनू वकील नहीं सी बना सकते, मैनू वकील खेतों ने बनाया। जे कि मेरे माँ प्यो तो बाद मेरे सिर कोई कर्जा है तो वह खेतों का कर्जा है, ये वो अदायगी कर समय है कि तुम कि अदा कर जी सकता। मेरे वर्गे लखा की तादाद वकील जोड़े है खेतों ने बनाए, खेतों ने डॉक्टर बनाए, खेतों ने इंजीनियर बनाए, खेतों ने जी मतलब है सब तो वड्डी गल जी है साइंटिस्ट बनाए, बहुत वड्डे दुनिया के जोड़े वड्डे साइंटिस्ट है वो खेतों ने पैदा किए हैं। मैं आ रहा सी स्टूडेंट्स नाल जो सा कॉन्फ्रेंस सी ऑल इंडिया लायर यूनियन की सिलीगुड़ी बंगाल के अंदर, जलपाईगुड़ी तो जो असी गड्डी फड़ी तो उत्थे पार्टिसिपेंट सी बिहार के बच्चे 29 बच्चे से, वो ना बच्चों का लैवल बड़ा अच्छा से, वो सेंस कॉन्फ्रेंस हो रही थी गैंगटॉक, गैंगटॉक के पार्टिसिपेंट से, जी उन्होंने साढ़े ते बुछाड़ की सवालों की जी 3 साढ़े 3 घंटे पटने तक। मैं उन्होंने एक मतलब पूछा उन्होंने कोआर्डिनेटर भी, ये बच्चे कंप्यूटर की मतलब इंटरनेट की एक्सैस बहुत होनी है, कहना ना कंप्यूटर इंटरनेट बच्चे किसी बच्चे मतलब इंजीनियर बना सकता, डॉक्टर बना सकता, वकील बना सकता, साइंटिस्ट नहीं बना सकता। फिर जी मैं कहा भी ये शहरी बैकग्राउंड के होने, कहते नहीं शहरी बैकग्राउंड के बच्चे उन्ने वधिया साइंटिस्ट नहीं जिन्हें रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, क्योंकि जदों असी इन्हों हल्दी का प्रोजेक्ट देता तो यह हल्दी तो अपनी दादी तो पुछ के अपनी नानी तो पुछ के जो कुछ ये लिख के लिया पिंड शहरी बच्चे तो नेड़े तेड़े भी होंगे, दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट खेतों ने पैदा किए, खेतों ने साडा इस तो अगे है सोसायटी के डिवेलपमेंट के अंदर खेतों का किड्डा रोल है इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। इस तो जी अगे है खेतों ने साढ़े बहुत बड़े कवि पैदा किए, साढ़े शिव कुमार जे खेतों का पुतला होंगे मतलब इस तरह जो उन्हें इन्ना कुदरत में जाके इन्ना नेड़े नेड़े तो देखा, उस तरह कवितावान नहीं सी लिख सकता जिड़िया उन्हें लिखिया, वड्डे कवि जोड़े संसार के खेतों ने पैदा किए। जी खेतों ने मतलब साडा साडा गिद्धा साडा भंगड़ा, मैं जो कॉलेज पढ़ता सी मैं भंगड़े की टीम हूँ, मतलब जोड़े सारे स्टैप से भंगड़े दे वो खेती संबंधित से, गोडी जी करते इदा जा रहे अगे वध रहे हैं, तो बीज बोते जा रहे हैं इदा फट के अगे अगे जी मतलब जी डांस करते हुए, जी बलदा का मतलब जोड़ी बना के मतलब थले चारे पैर रख के उपर हत्था नाल पंजाली बना के उपर चढ़ के बंदा एक बैठा पिछे बैठा चल रहा जा रहे हैं, मतलब अगे एडवांस करते भंगड़ा पाते हुए, वो स्टैप साढ़े अज भंगड़े वाले ने उन्होंने स्टैपों का नाश मारता, छड़े ही नहीं भी पता ही नहीं लगता भी की कर रहे हैं वो, पर वो सारे साढ़े गिद्धे ये सारे स्टैप खेती संबंधित सके, जी खेतों संबंधित जी सके, साडा गिद्धा पैदा किया, साढ़े भंगड़े पैदा किए हैं, साढ़े नाच पैदा किए हैं, सारे सारे जड़े है, तो साडी खेत रूह की खुराक भी है, साडी सिर्फ मतलब ढिड की खुराक नहीं है, साडी रूह की खुराक भी खेत है। जी जी जदों मतलब जांबाज लोगों की जो तुम गल करोगे, जांबाज लोग रोमन के ग्लैडिएटर्स दुनिया च मने गए हैं, क्योंकि जो मार्शल आर्ट है वो सारे संसार से डिफरेंट डिफरेंट ढंग नाल मतलब और साढ़े निहंग है मार्शल आर्ट जोड़े करते हैं, खास करके साढ़े गतके वाले चाहे वह निहंग है चाहे दूजे लोग हैं, क्योंकि गतका मार्शल आर्ट की लड़ाई लिए भी वरत्या जाता जी है, तो वो नाल दी नाल हो प्रदर्शन लिए भी मनोरंजन का साधन भी बनता, जी ये सारे संसार से रहा साढ़े इंडो इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट थावान पर डिफरेंट डिफरेंट मार्शल आर्ट हैं, साढ़े नॉर्थ ईस्ट वाले मार्शल आर्ट बड़े बड़े कमाल के, तीरंदाजी जी मार्शल आर्ट है, जी जिहड़े मुक्केबाज हैं संसार दे सब तो वो रोमन ग्लैडिएटर हुए, जिहड़े इस तरह दे सी भी जदों रिंग च जांदे सी, जिन्हां नूं लखां लोक उस वेले देखण आउंदे सी बहुत अज तों 200-250 साल 300 साल पहले, जिन्हां नूं जदों वो रिंग च जांदे सी तां 10 चों 9 जिउंदे वापस आउंदे सी, 1 उन्हां चौथे मर चुक्या हुंदा सी,
इस तरह की मुक्केबाजी सी उन्हां दी, जिहड़े जान हुल भी लड़ाई लड़ते सी। जदों 150 साल बाद साइंटिफिक रिसर्च हुई, उन्हां दी हड्डियां जिहड़ियां कढ़ियां गईयां, तो देखा गया कि इन्हां दी हड्डियां च जिहड़ा है खांदे की सी, हड्डियां हर एक नूं सी कि वो मीट जी खांदे होणे, मतलब जी कच्चा मांस ही चख जांदे होणे, जी जिदां दे मनुख हैं वो। जी जी तां उन्हां दा देखिया कि वो मिलट्स खांदे सी, जिहड़ा बरीक अनाज, जी मांसाहारी 2% भी नहीं निकले, ते वो मतलब बरीक अनाज खांदे सी। ते उस तो बाद जदों रिंग तो लहूलुहान होए होए आंदे सी, अपने आप नूं तरोताजा करन लई, एनर्जी लैण लई सब्जियां दे सूप पींदे सी। जी दुनिया दे जांबाज लोग जिहड़े है, सुरमे लोग, योधे लोग, बहादुर लोग खेतां ने पैदा कीते। जी पर जी बदकिस्मती यह है कि जदों खेत इन्ने खूबसूरत हैं, इन्नी खूबसूरत चीज़ का जिहड़ा मालक है वो खुदकुशी कर रहा जी है, इतनी सर तो साढ़े दिल जोगिंदर सिंह की। जी, इतने सानू एक छोटी जी ब्रेक लिए रुकना पै रहा है। तुसी अपनी थॉट बिल्कुल इस तरह होल्ड रखो, ब्रेक तो बाद गल इस तरह जारी रहेगी। ब्रेक तो बाद सारे का स्वागत, तुसी वेख रहे हो प्रोग्राम अज दा मुद्दा। साढ़े नाल जुड़े हैं इंडिया तो जोगिंदर सिंह जिंदू जी, जो कि एडवोकेट हैं, वकील हैं, लाइफ लॉन्ग उन्हां दी सर्विस रही है पंजाब दे विच, तुसी कह लो सोशल कॉजेज़ दे विच, ते अज वो इस अंदोलन दे विच भी हिस्सा लै रहे एक एक्टिव पार्टिसिपेंट दे तौर ते, ते जो जानकारी वो सानू प्रोवाइड कर सकदे ओहदे नाल इस मोर्चे दी भी सपोर्ट होएगी। एक बारी फिर जोगिंदर जी तुहाडा प्रोग्राम दे विच स्वागत। जोगिंदर जी, तुसी सानू प्रोग्राम दे ओपनिंग दे विच दस्या कि जो किसानी मुद्दा है वो इन्ना पुराना है, आपां कह सकदे हां ये तां ये एक ह्यूमन इशू है, जदों तो ह्यूमन हिस्ट्री चलदी आ रही है तदों तो ये मुद्दा चलदा आ रहा है। जोगिंदर जी, जी तां करदा है कि तुहाडे तो मैं सारी हिस्ट्री पुछां जो तुसी सानू दस सकदे हो, बट मैं चाहुंदी हां कि आपां इन बिल्स बारे गल करिए, इन ऑर्डिनेंसेस बारे तुसी सानू दसो कि सब तो पहले ये जो ऑर्डिनेंसेस जिस तरह इन्हां नू पास किया गया, भावें वह जून की गल होए या तुसी सितंबर 27 जदों इन्हां नू बिल बनाता गया वो गल करो, कि ये एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंटल प्रोसेस सीगा, कोई एहो जी इमरजेंसी सिचुएशन सीगी जिदे करके इन बिल्लां नू इस तरह मतलब धक्के नाल पुश किया गया, थोपिया गया सिटीजन्स ते? अस्मिता बेटा, जिहड़े है ना ऑर्डिनेंस, असल च एक्ट जिहड़े है ना बैकडोर एंट्री है। जदों बैकडोर एंट्री ते चोर आउंदे हुंदे, जी बैकडोर एंट्री ते कदे भी जिहड़ा है ना, जिस मनुख ने मतलब कोई जिहदा सिर उच्चा है, जिन्हें कोई गलत काम नहीं करना, जिन्हें कोई चंगे कामां लई आउणा, वो फिर सीधे आउणगे। ये तिन्ने जिहड़े ऑर्डिनेंस है बने, पहलां तिन्ने जिहड़े एक्ट बन चुके हैं। एक चौथा एक्ट जिहड़ा है नेशनल कैपिटल रीजन वाला ऑर्डिनेंस, हाले वो एक्ट नहीं बना, वो ऑर्डिनेंस चल रहा है हाले। बिजली का बिल भी हाले ऑर्डिनेंस दे रूप च ही है, वो भी हाले बिल बन के एक्ट नहीं बना है। मतलब राष्ट्रपति ने बड़ी कमाल की गल है भी जिहड़ा साडा सिस्टम है खेती का, जिहड़ी रिसर्च हुई है, वो कहिंदे भी 10,000 साल तो असीं खेती करते आ रहे हैं। कुछ रिसर्च ने, साइंटिफिक ने कहा है कि 12,000 तो असीं करते आ रहे हैं। जिहड़ी लेटेस्ट 4 यूनिवर्सिटी ने कीती हैं, जिहदे च हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी है, उन्होंने कहा कि 22,000 साल पहला बंदे मनुख ने पौधे लाने शुरू करते सी। आप 22 छड़ दिए, 12 छड़ दिए, 10,000 ले लिए, कि 10,000 साल तो असी एक सिस्टम दे अंदर स्टेप बाई स्टेप इंप्रूव करके उन्होंने काम करते आ रहे। ते खेती साढ़े किसान ने डिवेल्प की है इस उद्देश्य, ते पीढ़ी दर पीढ़ी डिवेल्प करते हुए उन्हें एक परफेक्शन हासिल कर ली है। जे उसनों परफेक्शन देनी है तो साढ़े इंस्टीट्यूट जोड़ा है होर परफेक्शन देनी है लेटेस्ट वेद, तो साढ़े इंस्टीट्यूशन जड़िया ने उन्होंने, जिम्मे सा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने मजबूत करने की लड़ है, उस पास नहीं जा रहे हो। 4 जून की रात को, मतलब बड़ी अजीब किस्म की गल है, हैरानी होंगी है भी, 4 जून की रात को राष्ट्रपति ने एक सुपना आता है भी 10,000 साल तो चले आ रहे सिस्टम, मतलब यू टर्न देने की लड़ है। यू टर्न है जी उन्होंने दी है, यू टर्न टूवर्ड नैगेटिव साइड। यू टर्न जो तुम कुछ कितने पॉजिटिव पासे ले लेने हो, कोई माड़ी गल नहीं है, कई बार यू टर्न लैके तुम्हें जाना पैंता तो अपनी मंजिल से, पर ये यू टर्न उन्होंने मतलब मड़िया वालों लई है, शमशान घाट वालों लई है। भारत के 138 करोड़ लोगों चो 120 करोड़ ला लो, तुम 110 करोड़ ला लो, दी किस्मत इन्हों जुड़ी हुई है। राष्ट्रपति नूं किते अधिकार नहीं है कि
कि उह 10,000 साल के सिस्टम मतलब दी किस्मत का 120 करोड़ लोगों की किस्मत का एक ऑर्डीनेंस नाल फैसला करते हैं। 5 जून में यह ऑर्डीनेंस हो जाते हैं। तो उसने यह सारा जो सिस्टम है उसनों चेंज करता। राष्ट्रपति की पावर बारे प्रेजिडेंट ऑर्डीनेंस जारी कर सकता, कोई रौला नहीं है। सैशन जज को फांसी लाने का अधिकार होता है, भी वो किसी क्रिमिनल को फांसी ला सकता। पर वो तुरै जाता बाजार से, फांसी लादा नहीं ना चला जाता कि मैं बाजार से जा रहा भी तेनों फांसी लाती, तेन तेनों फांसी लाती। जो उन्होंने फांसी, राष्ट्रपति ने इस तरह ही ऑर्डीनेंस की पावर वरती है अपनी, जिहड़ी जिहड़ा दा परव्यू नहीं है। राष्ट्रपति ऑर्डीनेंस की कि कदों कर सकता है, जदों कोई राष्ट्रपति सैटिस्फाइड है कि कोई ऐसी सिचुएशन एमरजेंट पैदा होगी जी जिदे च पार्लीमेंट इन सैशन नहीं है। पार्लीमेंट का जिहड़ा इन सैशन, पार्लीमेंट के उठण दे और पार्लीमेंट के बैठण दे समय में जिहड़ा रिसेस का पीरियड कहते, पार्लीमेंट का रिसेस का पीरियड है। तो ऐसी सिचुएशन है भी जिहड़ी अवॉयड नहीं की जा सकती, पर प्रेजिडेंट की सैटिस्फैक्शन है वह ऑर्डीनेंस जारी कर सकता। मतलब अद्धी छुट्टी च तुसी लोगों की किस्मत का फैसला कर रहे हो जी। जिहड़ा पार्लीमेंट दे इन सैशन। सर तुसी कहा कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति दे ए मतलब ओहदे च नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ कर सके। मैं चाहूँगी कि की पावर हैगी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कोल इस तरह की ऑर्डिनेंसेस नू इशू करन दी, कोई हैगी भी उन्हां दी जुरिसडिक्शन इस पासे? राष्ट्रपति दी 123 आर्टिकल है संविधान दा, उहदे अंदर राष्ट्रपति दी पावर है कि किसी एमरजेंट सिचुएशन दे अंदर जे पार्लीमेंट इन सैशन नहीं है, कोई जरूरत पै जाती है, राष्ट्रपति महसूस करता है उहदी सैटिस्फैक्शन है कि ऑर्डीनेंस होना चाहिए, वह ऑर्डीनेंस जारी कर सकता। कर किन्हां हालतां सकदा? पहली गल तां तुसीं करोना नाल लड़ रहे हो जी, जदों तुसीं करोना नाल लड़ रहे हो एक महामारी दे नाल, करोना है भी सी जां नहीं सी डिफरेंट विशा प्रैक्टिकली, तो जो असीं देख रहे हाँ, क्योंकि तां मैं उहदे उस सबजैक्ट ते नहीं जाऊँगा कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि फ्रॉड किया गया, बहुत ह्यूमैनिटी नाल बहुत वड्डा है करोना जिहड़ा है। रल के कारपोरेट वर्ल्ड ने उन्होंने इंस्टीट्यूशन नाल इंटरनेशनल, मेरा विशा नहीं है, मैं उधर नहीं जाऊँगा, डिफरेंट क्वेश्चन है। तो तुसीं लड़ रहे हो एक महामारी नाल, जदों तुसीं महामारी नाल लड़ रहे हो तां तुहाडे सामने एक सवाल है बेसिकली भी तुसीं किसे अजिहे ड्रास्टिक स्टैप जिहड़े सारा कुछ नूं बदल देंदे आ सिस्टम नूं, उह लैण दी लोड़ पैगी तुहानूं। ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ 97 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, 3 ਲਿਸਟਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਸੈਂਟਰ ਪਾਵਰ ਲੈਜਿਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਕਨਕਰੰਟ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੇਲ ਅਪਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਲੋ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, 33 ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੂਡ ਸਟੱਫ ਹੈ, ਜੀ ਫੂਡ ਸਟੱਫ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਫੂਡ ਸਟੱਫ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਅਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਪਿਆ, ਜੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਹਦੇ 123 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਨ ਬਿਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਡੈਪਥ।
इन किसान बिलों नू लैके फार्म बिल्स नू लैके ते साडे नाल जुड़े हन जोगिंदर सिंह जिंदू जी इंडिया तो एडवोकेट जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस काम दे विच लाई हुई है। जोगिंदर जी एक बारी फिर तुहाडा प्रोग्राम दे विच स्वागत। तुहाडी लाइफ लोंग सर्विस पंजाब दे विच वक वक स्टेट बोर्ड्स दे विच ते हुण तुसीं एक एडवोकेट दे तौर ते इस कॉज दे विच इस मोर्चे दे विच एक एक्टिव पार्टिसिपेंट हैगे। 10 दिन तुसीं दिल्ली विच कढ के आए हो ते तुहाडी हुण थोड़ी सेहत बीमार होण करके तुसीं वापस मुड़ आए हो बट तुसी फिर भी साढ़े नाल जुड़े, थैंक यू फॉर दैट। जोगिंदर जी यू नो इन बिल्स नू लैके जिदा जिदा होर जानकारी निकल रही है सानू सुनन नू मिल रहा है कि देखो जी इन्हां नू कहा तो जा रहा है फार्म बिल्स एग्रीकल्चर बिल्स बट ये तो ट्रेड बिल्स ए बिजनेस बिल्स कारपोरेट बिल्स इन्हां दा ना होना चाहिए। तुहाडा की ख्याल है कि की मकसद सीगा सरकार दा इन बिलों नू एग्रीकल्चर बिल्स दा नाम देन दा इन्हां नू किसानां दा नाम देन दा की उन्हां दा मोटिव सीगा इत्थे? उन्हां दा मोटिव अश्मिता जी बड़ा बड़ा क्लीयर है उन्हां दा मोटिव क्योंकि हिंदुस्तान की जिहड़ी जिहड़ा खेती योग रकबा है वह 39,46,00,000 एकड़ सारे संसार च दूजे नंबर ते अमेरिका तो बाद खेती योग रकबा चाहे एरिया साढ़े तो कई गुणा वध है किन्ने किन्ने कंट्रीज हैं पर खेती योग रकबा जिथे जिहदे च खेती हुंदी है साडा सैकंड नंबर ते संसार च पर जिहड़ा साडा बिजनेस है खेती का वह 12,00,00,000 करोड़ का सालाना तो सारे संसार च पहले नंबर ते सब तो वड्डा इंडस्ट्री के अंदर एक खड़ोता की है इंडस्ट्री का ग्रोथ नहीं हो रहा है क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर जिहड़ी है लगातार सुंगड़ती जा रही है जो तो लोग समान खरीदने की अवस्था च ना हो तो फिर इंडस्ट्री जी पैदा जिन्ना मर्जी कर ले अल्टीमेटली बफर होगा वो हो। फिर उन्होंने वो एक फील्ड तलाश करते फिरते हैं कारपोरेट का एक है कि वह मतलब शिकार लभदे ही फिरते भेड़िए उन्होंने यह एक वधिया फील्ड लग्या कि यह जहा फील्ड है भी जो असी ये अंदर करते हैं मतलब दखल दें तो यू कब्जा लें तो साढ़े लिए एक बहुत व्डा जोड़ा है असी ऐसा है क्योंकि करोना जो हुई है तो उसी एक गल बड़ी स्पष्ट आ गई है कि थोड़े कारखाने बंद हो गए थोड़े मॉल्स बंद हो गए थोड़ी रेल बंद हो गई बसा बंद हो गई कारा बंद हो गई मतलब सारा सिस्टम सोसाइटी का मतलब खड़ गया खेत चलते रहे जी। खेत जे ना चलते तो मरण वाले की गिनती लखां च नहीं होनी सी फिर करोना च होनी सी खेतों ने लोगों को बचा लिया तो उन्होंने भी ये पता है कि एक ऐसे चीज़ है जिन्हों चलन तो रोकया नहीं जा सकता किसी भी हाल च किसी इसलिए उत्थे आ रहे हैं उत्थे वो आ रहे हैं किसान दिया दे घर च सीधे ही जड़ा है ना पहले बारी होया कि किसान दे घर च कारपोरेट आ गया आ रहा उहदे च की हो रहा मतलब जड़ा है जो वह घर च आ रहा इन्होंने बिल बिलों के नाँ बड़े सुंदर रखे जी मतलब ऐसा लगता भी ये तो जड़े है ही पहला जड़ा है पहला बिल है उन्होंने कहा जड़ा है द फार्मर इतने आ मेरे को एक्स पे है पहला एग मतलब पहला है सब तो पहला जड़ा है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एसोरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट बड़ा अच्छा लगता है ना तो बड़ा सुंदर लगता है बड़ा सोहना ना है भी देखने यह किसान अंपावरमेंट करनी है उसकी तो उसकी प्रोटेक्शन करनी है दो गल्लां डिफरेंट दो मतलब डिफरेंट पोल्स पे इस तरह है भी तुम किसी अंपावरमेंट भी करती तो उसकी प्रोटेक्शन भी कर रहे हो किसी शक्तिमान भी बढ़ाता तो उसकी राखी भी कर रहे हो मतलब हाउ इज इट पॉसिबल फिर तो जो तुम किसी शक्तिमान बनाता फिर लोगों की राखी एग्जैक्टली मतलब उसकी राखी करनी तो मतलब बनाना यदा दूजा जिहड़ा बिल है ट्रेड एंड कमर्स का है फार्म प्रोड्यूस की पहले बारी होया कि जिहड़ी फार्म प्रोड्यूस है वह फार्म दा फार्मिंग जिहड़ी है एग्रीकल्चर जिहड़ी है कमर्स बनी है डेवलप्ड कंट्री च एक वक्खरा सवाल है तो वह जे वह कमर्स बनी है तो कुदरती तौर पर जो कमर्स बन जू कमर्स का एक बेसिक फंडा एक किसान की जीवन जांच है जी उदे जीण दा ढंग तरीका खेती करके अपने आप नूं सरवाइव करन दा ते अपने सारियां लोड़ां पूरियां करन दा उह कमर्स नहीं है खेती खड़ खास करके थर्ड वर्ल्ड कंट्री दे जिहड़े जिहड़े साडे लोक है मतलब भारत वर्गे देश है उहनां दे अंदर उहनां कंट्री च उहनां ने जिहड़े जिहड़े डिवेलपड है उहनां च कमर्स बना चुके हैं पर इह पहला बिल है जिन्हें खेती नूं कमर्स बनाया मतलब कारपोरेट दा एक बेसिक फंडा है
कि वो मुनाफे लिए पैदा करता है, किसान मुनाफे लिए नहीं पैदा करता। किसान जीवन लोगों दी जिहड़ी जीवन लोड़ा उन्हां लिए पैदा करता। जदों मुनाफे लिए पैदा करेगा तो कुदरती तौर पर वह सिट्टा यह होगा कि जे फर्ज करो कारपोरेट नूं समाज नूं लोड़ा दवाइयां दी, कारपोरेट नूं हथियार बनाउण च मुनाफा है। वो हथियार बनाऊगा दवाइयां नहीं बनाऊगा, मनुख को मारने वाला समान बनाऊगा, मनुख को बचाने वाला समान नहीं बनाऊगा। जिथे मुनाफा खेती यह नहीं है, खेती ऐसा कमर्स नहीं है। जिदन तुम खेती में कमर्स बना दोगे उस दिन आल टूगैदर तुम एक कॉमन मैन मतलब जोड़ा है वो गिरजा के हवाले कर दोगे, जोड़ा जि जिंदी जिंदगी जोड़ा है रहना मतलब बड़ा मुश्किल हो जूगा, दुब्बर हो जूगा। सो इस करके वो जोड़ा बना इन्होंने सुन ना सैकंड रख्या ट्रेड एंड कमर्स। तीजा रख्या असेंशियल कमोडिटी एक्ट, जी वो भी बड़ा मतलब सुंदर लगता, अमेंडमेंट की है, नवा एक्ट नहीं है, वो अंदर अमेंडमेंट की है। वो वर्चुअली जखीरेबाजा को खुल दी है, जो नाँ जो इन्होंने तिना के ना का इन्हों के करैक्टर ना कोई तलक नहीं है, आल टूगैदर इन्हों का करैक्टर हो रहा है तो इन्हों के ना हो रहा है। मतलब कोई जो पढ़ते हैं बिच उन्होंने, क्योंकि मैं बहुत बरीकी यत्न किया इन्हों पढ़न का, इन्हों समझ का सारी सारी वो एग्रीकल्चर से जी मतलब रिसर्च हुई है वो सपोर्ट लैके, ईवन शब्द बड़े गुंझलदार रखे हैं, पांच पांच डिक्शनरियां रख के कॉन्स्टिट्यूशन रख के रिसर्च के नाल बिठा के अपना स्टेनो भी फलानी चीज़ ते ला, मैं समझने का यत्न किया है। तो चारे चारा लाया, आप चारा लाने ना अनाज में, जो चारा लाया कबाड़ ही कबाड़ निकलता, टोरा सुसरी कबाड़ पिछे बचता ही कुछ नहीं, क्वालिटी तक कोई बची नहीं रही है। जो ऐसे मतलब ये सारे एक्ट हैं जोड़े हैं, जी राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस करते, बड़ी कमाल की गल है अस्मिता जी ये नोट करने वाली, भी राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस करता रात का सुपना, उन्हें 4 तरीक की रात का 5 जून को पूरा करता, 26 से 27 सितंबर में पार्लीमेंट ने बिल पास करके मतलब यदा राष्ट्रपति दस्तखत हो गए तो एक्ट बन गए, जी 26 से 27 सितंबर में ड्यूरिंग दिस पीरियड है। जी मैं इधरले पासे ऑर्डिनेंस रखे है, इधरले पासे एक्ट रखे है, जी मतलब ऑर्डिनेंस और एक्ट च एक अक्षर का भी फर्क नहीं, कौमा भी नहीं बदला गया। तुसी अंदाजा लाओ भी पार्लीमेंट इन्नी बौनी हो गई है जिड़ी एक राष्ट्रपति दे सुपने आए नू ऑर्डिनेंस नू जिहड़ा उहदे दिमाग च आ गया सी, राष्ट्रपति का खेती नाल कोई तलक नहीं है, खेतों नाल उहदा मतलब कोई रिश्ता ही नहीं रहा, ठीक है, उन्हें खेती के सिस्टम नू चेंज करने लई ये लोड़ महसूस करके बदलता, वो कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट नहीं है, मतलब भारत का जी राष्ट्रपति, जी 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 मतलब जी बड़ी अनफॉर्चुनेट है भी जो इस तरह के फैसले ले जाते हैं जो लोगों की किस्मत का फैसला करते हैं, तो प्रथम जो नागरिक लड़ रहा भारत का, जी तो पार्लीमेंट ने वो अंदर 543 मैंबर ने एक अक्षर भी चेंज नहीं कर पाए। एज इट इज तुसी एक्ट रख लो, एज मतलब रख लो ऑर्डिनेंस रख लो, एज इट इज वो सारा कौमा टू कौमा उस तरह पास होया है। साड़ी डेमोक्रेसी का मतलब किड्डा वड्डा डेमोक्रेसी के धब्बा है कला, कि ऑर्डिनेंस तौर लोगों की किस्मत का फैसला करन दा ऑर्डिनेंस पार्लीमेंट ने कोई चेंज ही नहीं किया, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन ही है नहीं पूरी पार्लीमेंट के, ये 1% भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, ओनली मतलब जोड़ा है उन्होंने ये ठप्पे लाए। लगता है जो तुम इन पढ़ते हो इदियां बड़ियां बरीकियां नाल तां लगदा है भी एक कारपोरेट दे ने अपने एक्सपर्ट लाके ड्राफ्ट कीता ते इन्हां ने ओहदे ते मोहरां लाईयां, जी बिल्कुल राष्ट्रपति ने भी एंड ते इन्हें भी। जी एंड एंड जोगिंदर जी, मैं व्यूअर्स दे बेनिफिट लिए ये गल एक बारी फिर दोहराना चाहती हाँ कि भावें अज एक एवरेज आदमी तो नहीं कह सकता कि उन्होंने इन बिल्स नू पढ़िया, इन ऑर्डिनेंसेस नू, ते जदों उन्होंने पास करके बिल बनाया गया पढ़िया पेज टू पेज अक्षर टू अक्षर, तुसी इन्हां नू पढ़िया ते तुसी सानू इन्हां दे बारे जानकारी दे रहे हो, आप बहुत धन्यवादी हाँ तुहाडे लई। जोगिंदर जी, इत्थे सानू इस एपीसोड नू रैप अप करना पै रहा, बट मैं व्यूअर्स नू दसना चाहती हाँ कि तुसी साढ़े नाल दो होर एपीसोड्स इस हफ्ते लैके आ रहे हो, इस जिदा तुसी किया बरीकी दे नाल इन बिल्स दी डिस्कशन लई, ताकि लोगों नू जानकारी होए, आम आदमी नू पता होए कि अगर उन्होंने अगे गां किसी नू दसना है कि क्यों ये बिल्स इन्ने विरोधी है, इन्ने माड़े आ किसानां लई ते इंडिया दे पूरे भविक लई, तुसी कह लो ग्लोबल इंप्लीकेशन हो सकदी है अगर इन्हां नू इंप्लीमेंट किया जाता है, तो ये जानकारी सारयां लई बहुत ही अहमियत रखती है। जोगिंदर जी, थैंक यू सो मच जी साडे नाल जुड़े, तुसी साडे नाल इसे तरह जुड़े रहो, इत्थे इस एपीसोड दी आपां समाप्ति करदे हां, बट छेती लोकां दे नाल एक नैक्सट पार्ट इस सीरीज़ दा लैके आवांगे। जोगिंदर जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, थैंक यू।
जी, तो तुसी अगर साडे नाल कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो सानू लिख सकते हो info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com। जिस तरह तुम दस्या जोगिंदर जी सानू फिर ज्वाइन करेंगे पार्ट टू इस सीरीज़ दी, थ्री पार्ट्स होंगे, तीन बिल्लां दी बरीकी दे नाल तुहाडे नाल जानकारी शेयर करांगे। हुण सानू दिओ इजाजत, सत श्री अकाल।